Zombie Apocalypse. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ बिल्कुल न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। जैसे कि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहां पे अपने बिल्कुल न्यू मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। इसके अलावा गाइस बात करने वाले हैं यहां पे अपने क्रिमिनल बंडल्स के इंक्यूबेटर के रिटर्न के बारे में एंड यार और भी काफी सारे इवेंट्स एंड अपडेट्स रहने वाले हैं आप लोग के लिए इस वाली वीडियो के अंदर। यहां पे हम लोग टुनाइट अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर सेट कर देना, क्योंकि यार हम आपके लिए अपने फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेके आते रहते हैं। तो भाई जरूर से लाइक कर देना, जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अभी यार हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यार उससे पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी बंदों से। आप लोग भी गाइस देख ही सकते हो कि भाई यहां पे हमारा जो ये वाला चैनल है ये काफी ज्यादा अभी डाउन हो रहा है, मतलब यार बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। तो गाइस अगर आपने भी सब्सक्राइब कर रखा है फिर भी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो प्लीज एक बार जो साइड में नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। हो सकता है गाइस इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर देना। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहां पे मिस्ट्री शॉप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार यहां पे काफी सारे बंदे भाई पूछ रहे थे कि भाई मिस्ट्री शॉप का एकदम कंफर्म डेट बताओ, 24 तारीख को आएगी या फिर 25 तारीख को। तो गाइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसका जो कंफर्म डेट है वो है 25 दिसंबर, मतलब यार परसों आपको सुबह 7:30 या 8 बजे के आसपास अपने इंडियन सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको ये वाले दोनों के दोनों बंडल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पे आप लोग को इलाइट पास भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा यार और भी काफी सारी चीजें रहने वाली है जैसे कुछ इमोट कैरेक्टर बैकपैक का स्किन एंड और भी यार ढेर सारी चीजें। सो यस अगर आप लोग मिस्ट्री शॉप का वेट कर रहे थे तो भाई 2 दिन और रुक जाओ आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस यहां पे बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर एंड गाइस यहां पे भाई मेरे पास भर के कमेंट्स आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, मतलब यार ज्यादातर तो मतलब कल से कमेंट्स आ रहे हैं भर के। तो गाइस यार अभी तक आपको ये चीज तो पता चली गई होगी कि अपने गेम के अंदर एक इवेंट आया था जो कि था रैपर विश इवेंट एंड वो एकदम से सरप्राइजली गेम के अंदर आ गया था। पता नहीं कब आया, मुझे खुद तो भाई पता ही नहीं चला, मेरे को तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि उस वाले इवेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच चल रहा था, मतलब यार उस वाले इवेंट के अंदर हम लोग जैसे ही स्पिन कर रहे थे तो भाई स्पिन करने के बदले में हम लोग को रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे थे एंड यहाँ पे जो हमारे डायमंड्स थे वो भी कम नहीं हो रहे थे, मतलब यार रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे और डायमंड्स कम नहीं हो रहे थे, उल्टा गाइस डायमंड्स बढ़ रहे थे। मतलब जितना हम लोग स्पिन मार रहे थे उतने ज्यादा हमारे डायमंड बढ़ते जा रहे थे, डायमंड कम ही नहीं हो रहे थे। तो गाइस यार काफी सारे बंदों ने इस ग्लिच का एकदम खुले तरीके से यूज किया, मतलब यार बिना सोचे समझे यूज किया। कुछ बंदों ने अपने नूब अकाउंट पे इसका यूज किया, कुछ बंदों ने अपने मेन अकाउंट पे इसका यूज किया। बंदों ने भाई यहाँ पे पागलपंती की हद कर दी, मतलब यार जितनी भी इवो गन्स थी सारी की सारी मैक्स कर ली ग्लिच से लाखों डायमंड्स लेके, मतलब यार सब कुछ खरीद डाला गेम के अंदर, जितना भी माल पानी था पूरा स्टोर खरीद के छोड़ दिया और जो कसर रह गई थी वो उन लोगों ने पूरी कर दी जिन्होंने गेम के अंदर 80,000 बैचेस खरीद लिए। तो यार आप में से भी बहुत सारे बंदों ने इस वाले ग्लिच का यूज किया एंड वो लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई अब हमारा क्या होगा, कुछ तो बताओ इसके बारे में एंड काफी सारे बंदों को इसके बारे में पता भी नहीं चला होगा मेरे जैसे। तो जिनको पता नहीं चला अच्छी बात है, आप लोग फायदे में रहोगे। देखो यार सबसे पहले भाई जिन बंदों ने इस वाले ग्लिच से डायमंड्स लिए हैं और उन्होंने अभी तक स्पेंड नहीं करे हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई उन डायमंड्स को स्पेंड मत करना, क्योंकि यार आपके आईडी पे जल्दी ही रेस्ट्रिक्शन लगेगा एंड जब रेस्ट्रिक्शन लगेगा तो यार जितने भी डायमंड आप लोगों ने यहाँ पे ग्लिच से लिए थे वो सारे के सारे आपके आईडी से यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो अगर आपके पास डायमंड पड़े हुए हैं तो उनको स्पेंड मत करना। अगर आप लोगों ने डायमंड लिए थे इस वाले ग्लिच का यूज करके एंड अगर आपने स्पेंड भी कर दिए तो आपके आईडी पे डायमंड माइनस लगेंगे, मतलब यार जितने डायमंड आप लोगों ने ग्लिच से लिए थे उतने डायमंड आपको टॉप अप करने पड़ेंगे पैसे लगा के, तब जाके आपकी आईडी खुलेगी, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, रेस्ट्रिक्शन में पड़ी रहेगी। काफी सारे बंदे परेशान है कि भाई उनकी आईडी बैन तो नहीं हो जाएगी ना, तो देखो यार मेरे हिसाब से बैन तो नहीं होगी क्योंकि एक टाइप से गरेना का ही ग्लिच था, लेकिन ग्लिच का आप लोगों ने गलत फायदा उठाया है तो यार रेस्ट्रिक्शन तो आपको लगेगा ही, मतलब जितने डायमंड आप लोगों ने मतलब ग्लिच से लिए हैं वो तो आपको भरने पड़ेंगे। तो गाइस यार आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई आपको इसके बारे में पता था या फिर नहीं पता था, क्या आपने भी इसका यूज किया या फिर नहीं किया। इसके बाद गाइस अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर एंड गाइस अभी यहां पे हम बात कर लेते हैं भाई यहां पे मैजिक क्यूब स्टोर के अपडेट के बारे में। काफी सारे बंदे भाई मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मैजिक क्यूब स्टोर के बारे में बताओ, क्योंकि यार आप लोग को पता है यार मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर कोई भी ढंग का बंडल नहीं है एंड आपको पता है यार आजकल यहाँ पे मतलब हर कोई इवेंट के अंदर यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलती रहती है, लेकिन यार यहाँ पे मैजिक क्यूब्स का आप लोग करोगे क्या जबकि आपके पास भाई मतलब कुछ अच्छा खासा कुछ बंडल है ही नहीं स्टोर के अंदर। तो यार देखो अभी आपको जल्दी यहाँ पे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाला है, लेकिन यार यहाँ पे एक चीज का पता चला है, यहाँ पे गाइस कुछ बाहर के सर्वर्स के ऊपर है ना एक पोस्टर रिलीज किया गया है जो कि यार आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर गाइस यहाँ पे इन लोगों से पूछा गया है कि भाई आप लोग को इन तीनों में से कौन सा बंडल यहाँ पे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर चाहिए। इसके अंदर यहाँ पे आर्कटिक
बिग ब्लू बंडल है, अपना टॉप गेमर बंडल है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक शॉक बंडल भी है। तो इनसे पूछा गया है कि भाई इन तीनों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट दोगे वो बंडल अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर आएगा। तो यार देखो ऐसा कुछ आपको जल्दी इंडियन सर्वर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बाकी यार पता चल रहा है कि इस बार आपको थोड़ा सा अच्छा मैजिक क्यूब अपडेट देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको इंडियन सर्वर के अंदर भी इन्हीं तीनों बंडल में से कोई बढ़िया सा बंडल दे दिया जाए तो भाई मजा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे बंदे भाई रिडीम कोड के बारे में पूछ रहे थे। तो आपको पता है कि भाई अभी यहाँ पे अपना जो विंटर इन्विटेशनल का जो टूर्नामेंट था उसके अंदर यार यहाँ पे आपको कोई भी रिडीम कोड देखने को नहीं मिला था। लेकिन यार मैंने आप लोग को जैसे कि बताया कि अभी यहाँ पे एक और बिल्कुल न्यू यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जो कि यार यहाँ पे अपना फ्री फायर प्रो लीग होने वाला है। पिछली बार प्रो लीग पे रिडीम कोड दिया गया था, इस बार भी यहाँ पे 99% चांसेस है कि आपको यहाँ पे रिडीम कोड दिया जाएगा। तो गाइस यार इसके जो फाइनल्स हैं वो यार जनवरी के आसपास होने वाले हैं, तो जो भी इसका रिडीम कोड होगा वो भाई आपको जनवरी पे देखने को मिलेगा। बाकी यार जो भी रिडीम कोड आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर आपको भी रिडीम कोड चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि भाई आप सबसे पहले रिडीम कोड को रिडीम कर लो एंड आपको सारे के सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिल जाए तो भाई सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि यार जैसे रिडीम कोड आएगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के बता दूंगा। इसके बाद गाइस बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। एंड गाइस अभी यहां पे फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपने क्रिमिनल इनक्यूबेटर के रिटर्न के बारे में, क्योंकि यार इसको लेके भी काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। वैसे गाइस इसके बारे में अभी आपको पता ही है कि यार कितना ज्यादा यहां पे मतलब चल रहा है कि भाई आप लोग को यहां पे क्रिमिनल इनक्यूबेटर रिटर्न के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि यार यहां पे गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई यहां पे जो अपना OB31 का जो अभी अपडेट आया था इसकी फाइल्स के अंदर गाइस यहां पे जो अपना क्रिमिनल बंडल का जो इनक्यूबेटर का जो ब्लूप्रिंट था वो डाला गया है। मतलब यार फाइल्स के अंदर अभी पिछले जितने भी अपडेट्स आ रहे थे उनके अंदर क्रिमिनल बंडल के इनक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट नहीं था, बट इस वाले अपडेट के अंदर ब्लूप्रिंट डाला गया है फाइल्स के अंदर। एंड काफी सारे सर्वर्स के ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करी गई है कि भाई सून यहाँ पे उनको इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा पूरे क्रिमिनल बंडल्स का, मतलब जितने भी क्रिमिनल बंडल्स हैं सारे के सारे रिटर्न के अंदर आने वाले हैं। देखो इंडियन सर्वर के अंदर ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है ऑफिशियली, बट यहाँ पे अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीक्स आ रही है कि आप लोग को यहाँ पे इंडियन सर्वर के अंदर भी सारे के सारे क्रिमिनल बंडल्स रिटर्न के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड जहां तक मेरे को लगता है पूरा का पूरा इनक्यूबेटर यहाँ पे रिटर्न के अंदर आएगा। तो गाइस यार देखो एक महीने में आएगा या फिर दो महीने में वो तो मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ये जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा एंड ये रिटर्न में पक्का आएगा, इतना मैं अभी लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि यार इसके बारे में इतना ज्यादा अभी हाइप बन रही है ना, अभी यार हाइप का फायदा उठा के एकदम से जैसे ग्रीन क्रिमिनल दिया था ना वैसे ही पेल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब यार तैयार रहना, अपने डायमंड वायमंड बचा के रखना, कभी भी आ सकता है एकदम से। जैसे इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि भाई यहाँ पे जो हमारा एसके व्लॉग्स वाला चैनल है जिधर पे मैं मेरी व्लॉग वीडियोस डालता हूँ उधर पे हमने एक बिल्कुल न्यू व्लॉग डाला है। तो गाइस अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज यार एक बार जाके इसको जरूर से देख लो अभी के अभी, क्योंकि यार इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कुछ खास अनाउंसमेंट करी है। तो एक बार यार जाके जल्दी से देख लो गाइस अभी के अभी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वाली वीडियो का लाइक है मैं यहाँ पे 10K लाइक्स का, आई होप कि आप लोग 10,000 लाइक्स इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर सेट कर देना, क्योंकि यार हम आपके लिए अपने फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेके आते रहते हैं। तो बस गाइस यार मैं मिलता हूं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I got you and your vibes in my mind, I can